राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा मायका का उदाहरण, शीतला माता मंदिर में ना हरे कृष्ण का भजन हो रहा था, तो हम लोग वहाँ पे गया था। मेरे साथ में ना भाभिया, आंटी, बहन और बुआ जी भी सब एक साथ में हम लोग गया था। तो सबसे पहले मैंने वहाँ पे भगवान को प्रणाम किया हूँ। के बाद ना हम लोग भजन सुन रहे थे बहुत टाइम से, और मैंने यूट्यूब में लाइव भी चालू रखे थे कम से कम आधा घंटा तक। उसके बाद हम लोग ओपोड़ में जाके खाना खाने के लिए बैठे थे, और यहाँ पे ना मेरा भाभी यार लोग भी सब बैठे थे, और आंटी, अंकल, बहन लोग सब लोग हम लोग साथ में खाने के लिए बैठे थी। उसके बाद ना मेरा भाभीया को बोल रही थी थोड़ा सा साइड में आ जाओ, तो नहीं आ रहे थे, तो मैं ही थोड़ा सा उसकी तरफ झुक के एक सेल्फी लिया था। और जब भी मैं कैमरा को आंटी का साइड में किया ना, तो आंटी भी हंस रहे थे। और उस दिन ना ज़्यादा गर्मी भी नहीं था, तो अगले दिन ना थोड़ा बारिश हुआ था, तो मौसम भी ठंडी था और अच्छा भी लग रहा था वहाँ पे। और अदर साइड में ना मेरा अंकल और बहन लोग बैठे थे। चलिए उसी टाइम में मामी को भी बुलाई थी जो ऊपर में आके खाना खा लेने का, लेकिन मामी बोला नहीं, मैं जहाँ पे भगवान का प्रसाद बनाया था ना, तो वहाँ पे मेरा मामी ने खाना खाया, और पिताजी भी वहाँ पे खाया था, तो हम लोग तो वहाँ पे नहीं खाया, यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खा रहे थे। सबसे पहले ना चावल और दाल दिया, उसके बाद दो टाइप का सब्जी ही था, एक मिक्स सब्जी था और एक परवल का सब्जी, मैंगो का अचार था। तो हम लोग खाना खाने का बाद तो नीचे आ रही थी, तो मेरा मामी को मैं बोल के आई थी, मामी आप मिक्स सब्जी लेके आओ, मैं घर पे जाके कुरमुरा खाऊंगी। यहाँ पे खीर भी दिया था, खीर ना बहुत ही टेस्टी था, तो मैं मामी को भी लाने के लिए बोली थी, और मामी ना मिक्स सब्जी और खीर घर पे लेके आया था। तो उसके बाद हम लोग फिर से नीचे गया, तो नीचे जाके हम लोग यहाँ पे खड़ी थी, तो मेरा बहन बोल रहे थे चलो हम लोग साथ में एक फ़ोटो लेते हैं। तो उसका हाथ में एक वाटर बोतल था, तो मेरा मिचली मामी को तो बोतल दे दिया था, तो और मेरा बुआ को मैं बहुत बार बुला रही थी, तो बुआ आ ही नहीं रहता, तो मैं बहुत फोर्स किया, तो बुआ मेरा पास आके खड़ा हुआ था। उसके बाद मैं बोल रही थी अभी लो सबका एक फ़ोटो लेने के लिए, तो मेरा बहन ना साइड में आ गया, साइड में ना मेरा आंटी भी खड़ी थी, तो मेरा आंटी को हम लोग बहुत बार बुला रहे थे तो आ जाओ आंटी, तो आंटी आ ही नहीं रहे था। तो हम लोग यहाँ पे खड़ा थे ना, तो उसका अदर साइड में भगवान का प्रसाद बनाया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारा जन भगवान का प्रसाद खा रहे थे, तो मेरा मामी पापा भी वहाँ पे खाए थे। बाद हम लोग थोड़ा सा साइड में आ गया, तो मुझे ना एक अंकल पूछ रहा था तुम कब आए हो, तो मैं उसको बताई तो मैं दो दिन पहले ही आए, तो हस्बैंड के बारे में भी पूछा था, तो मैं बोली मुझे छोड़ के वो घर पे चला गया। चलिए आप लोगों को फिर से एक बार भगवान का दर्शन करा देती हूँ अच्छे से। इस टाइम ना मेरा भाभीया मेरा बहन को बोल रहे था दिखाओ फोटो कैसा आया, तो मेरा बहन बोल रहा है अभी मैं वीडियो कर रही हूँ, तो आपको मैं बाद में बता दूँगी। तो थोड़ा सा दूर में ना मेरी बड़ी मामी बैठी थी, तो मुझे बुला रहा था, तो मैं उसका पास में जाके बैठी हूँ, तो उस को ना घर पे आने का था, वो बोल रहे थे मुझे घर पे छोड़ने के लिए, तो मैं उसको बोल रही थी थोड़ा टाइम बैठो, हम लोग जब जाएंगे ना तो आपको भी लेके जाएंगे। यहाँ पे ना बहुत जन बैठ के पहले भजन सुन रहा था, तो खाना खाने के बाद सब लोग घर पे चला गया, और यहाँ पे ना लेडीज़ जो भजन गा रहे थे ना, तो उसका ना वॉइस बहुत ही अच्छा था, तो सुनने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। चलिए आप लोगों को थोड़ा उनका वॉइस सुनाता हूँ। तो वहाँ पे खड़ा होके बातें कर रहे थे, और मेरा बहन थोड़ा सा साइड में आया, तो यहाँ पे ना शीतला माता का जी को बिठाया है, तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा दर्शन करा देती हूँ। तो अंदर ना लाइट नहीं था, तो थोड़ा अंधेरा है, तो पुरोहित जी ना मंदिर का अंदर से कुछ लेके आए थे, तो यहाँ पे एक औरत था, तो उसका हाथ में ये दिया है, और वो दो लड़का था, उसको तो पुरोहित जी कुछ बोला था, और उसके बाद ना पुरोहित जी ने
वो दोनों लड़का को प्रसाद दिया। और मंदिर ना बहुत ही सुंदर बना हुआ है और कलर भी बहुत सुंदर बना है। मैं ना उसी टाइम मेरा बहन का लड़का को गोद में लेके उसका साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, तो मेरा मामी थोड़ा सा आगे आके जाके पुरोहित जी से कुछ बातें कर रहे थे। और ये देखिए मेरा बहन का लड़का है, बहुत ही क्यूट है। अभी तक ना ये किसी को नहीं पहचानता है, तो इसके लिए सबका गोद में चला जाता है। और मेरा बहन यहाँ पे ना बोली थी मुझे जो मैं यहाँ से घर पे चला जाऊँगी, तो मैं उसको बोली थी थोड़ा टाइम रुको, हम लोग सब लोग साथ में चला जाएंगे। थोड़ा टाइम पहले ना नमोन मेरा पास आया, तो मुझे बोले थे मामी मुझे पैसा चाहिए। मैं उसको पूछी थी क्यों चाहिए, तो वो बोले थे मुझे आइसक्रीम खाना है। तो मैंने बोली नहीं, गोला बैठ जाएगा और सर्दी भी बहुत पकड़ लेगा, तो मान ही नहीं रहता। तो बोली पैसा दिया तो वो चला गया वहाँ से। टाइम ना मेरा बहन मुझे पूछा तुमको आइसक्रीम खाना है क्या, तो मैं उसको बोल रही थी नहीं खाना है और तुम ना सबके लिए आइसक्रीम लेके आओ। उसके बाद ना मेरा बहन का लड़का को लेके मैं भगवान का पास उसको बिठाने के लिए कोशिश कर रही थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था जो बैठ पाता है करके, तो मैं उसको ना पीछे से पकड़ के रखी थी। और मेरा भैया का लड़की भी वहाँ पे थे मेरा साथ ना, बहुत बार उसको बिठा रही, तो मुझे डर भी लग रहा था गिर ना जाए, तो मैं उसको पकड़ के लग रही थी। उसके बाद उसका बहन आया तो मुझे बोलता है ए मौसी आप उसको छोड़ो मैं बिठाती हूँ, तो वो जाके उसको अच्छा से बिठा दिया था। और मुझे भी बोल रहा था मौसी वहाँ से हट जाओ, वो अभी बराबर से बैठे रहेगा। दोनों तो बहुत ही डर रहा था, तो मेरा भैया का लड़का तो एक हाथ पकड़ के रखा गिर ना जाए, मैं भी उसी टाइम बहुत डर रहा था, तो वो तो बराबर बैठ के मिट्टी से खेल रहा था। इस टाइम ना मैं इतना डर गई थी, मैं फिर से उसको पकड़ के बैठ गई थी। तो मेरा बहन बोले थे नहीं वो बराबर से बैठ पाता है, तो उसके बाद मैं उसको खड़ा किया। इसी टाइम ना वहाँ पे एक भैया आया, तो वहाँ पे एक औरत था, तो उसको बोल रही थी जितना प्रसाद है आप सबको आप बांट दीजिए। ना राधा कृष्णा जी को बहुत ही अच्छा लगा था वहाँ पे, और हमेशा पता नहीं क्यों राधा कृष्णा जी का प्रेम कहानी देखने के लिए बहुत मन करता है। ये देखिए अदर साइड में नमन और मेरा भैया का लड़का दोनों बेफार खा रहे थे। ना हम सब लोग घर पे आ गया था, तो शाम को टाइम ना हम लोग खेती में गया, तो यहाँ पे ना बहुत सारा परवल का पौधा था, तो हम लोग थोड़ा सा परवल उठाई वहाँ से और परवल का पत्ता भी निकाला था। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट।